ये भैया कोरल आइलैंड के हम लोग किनारे पर पहुंच चुके हैं, लेकिन आइलैंड के किस छोर पे उतारा है ये हमको भी नहीं पता है। इतना पता है यहाँ से कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी अपने ठिकाने तक जाने के लिए, यानी कि जो मेन बीच है इनका कोरल आइलैंड का, जहाँ टूरिस्ट जाते हैं, उसके लिए कन्विंस करना पड़ेगा। दो तरीके हैं यहाँ से जाने के, या तो आप एक्टिवा किराया भी ले सकते हैं, एक्टिवा तो नहीं स्कूटी कोई भी कह सकते हैं, वो किराए पर ले सकते हैं, या टुक टुक चलती है उससे चल सकते हैं, देखते हैं क्या सस्ता पड़ता है। गाड़ी तो किराए पे नहीं लेंगे क्योंकि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लाया नहीं है, और मिल तो जाती है उसके बिना उसके, लेकिन अगर पकड़े गए या कोई बात हुई तो फ़ाइन बहुत तगड़ा है भाई, तगड़ा फाइन देना नहीं क्योंकि बजट टूर है, सस्ते में चलने के चक्कर में महंगा ना लग जाए, इसलिए चलिए देखते हैं ढूंढते हैं टुक टुक अपना। भैया ये कोरल आइलैंड के बीचेस हैं, कई बीचेस हैं, अब देखना ये है कि अपने को कौन से बीच में जाना है। भैया ये गाड़ी हमने ले ली है किराए पर, 300 बाट पर है, डिपॉजिट को था नहीं, पासपोर्ट लाए नहीं थे, तो ये होटल की इनको एज अ डिपॉजिट दे रहे हैं, ओके, और इसके बदले में गाड़ी मिल जाएगी, फुल टंकी पेट्रोल दे रहे हैं। गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं, तो भैया अभी हम आ गए हैं कोरल आइलैंड के नुआल बीच पे। ये नुआल बीच है, वहाँ से हमने एक बाइक किराए पे ले ली है रेंट पे। आज रश ज़्यादा है तो बाइक का रेट भी ज़्यादा थोड़ा पड़ा है, ऐसे 200 वाट में मिल जाती है, आज मिली है 300 वाट में, पर पूरी टंकी फुल मिला है हमें तेल। ये है बीच का नज़ारा, आप देख सकते हैं ये बीच का नज़ारा है। करीब 6-7 बीच हैं इस आइलैंड पे, कोरल आइलैंड पे, कोरल आइलैंड पे 6-7 बीच हैं, जिसमें से एक ये है। रास्ता पता नहीं था वहाँ से चले तो सीधे पहले यही पड़ गया, यहाँ के पता चला इस बीच का नाम। वैसे इस बीच पे इंडियंस नहीं नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर गोरे लोग हैं यहाँ पर या जैपनीज हैं। देखिए जेट्स की हो रही है, धूप खिली खिली है, अच्छा लग रहा है, आपको भी दिखाते हैं बीच का नज़ारा। अभी और भी बीचेस चलेंगे, पहले ये पड़ा है तो आइए पहले ये देख लेते हैं।
ऊपर देखिए पैराग्लाइडिंग होते हुए तो पहाड़ी से कूद रहा है। नुवाल बीच करके नाम है इसका, यहाँ पर हमारी बोट ने उतारा था 30 वाट वाली। अभी तक मुझे कोई हिंदुस्तानी भाई अपना नज़र नहीं आया है इस बीच पे, सारे गोरे ही लोग बैठे हैं यहाँ, एक भी हिंदुस्तानी। अरे भाई आया करो इधर भी, पैकेज के चक्कर में ना पड़ा करो। पैकेज में केवल फॉर्मेलिटी होती है भाई, फालतू टाइम वेस्ट करके कमाई वाली जगहों पे आपको ज़्यादा देर रोका जाएगा, और जो असली मज़ा आपको बीच का लेना का मन है, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं कोरल आइलैंड पे, वो मज़ा आप बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। सब जगह समय ख़राब करने के बाद आपको मुख्य जगह पे केवल एक बार ही 1 घंटा रोका जाएगा, बोट से उतरते ही आपको दे दिया जाएगा टाइम कि 1 घंटे में आप पहुँच जाएँ वापस, वरना बोट चली जाएगी, तो मजबूरी रहेगी आपकी। और जब बीच का मज़ा हो और बीच ही पर ना आप रहें तो कोई मतलब नहीं है आपके इस ट्रिप का। तो आगे का ध्यान रखिएगा, चलिए चलते हैं आप किसी और बीच का नज़ारे दिखाते हैं आपको। ये तिवारी जी भी यहाँ आ गए ना, एक हिंदुस्तानी भाई, एक भी इंडियन नहीं है दोस्त यहाँ। इंडियन के नाम पे हम तुम और विकास हैं, बस हिंदुस्तानी भाई। फोटो के लिए तो भाई हमका कैमरा है, अपना कैमरा फिर मानसन कर रहा है। विकास भाई, ये विकास भाई आ गए अपने। विकास भाई आप बताओ, आज तक ऐसी बीच आपने देखा है जहाँ सिर्फ 3 हिंदुस्तानी हैं कोरल आइलैंड पे? हाँ देखा है। आज ये इस बीच पे आप एक भी इंडियन दिखा दो आप हमें, और पैकेज टूर पे कभी इन बीचों में नहीं लाते हैं, यहाँ सिर्फ गोरे हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गोरे हैं यहाँ। और अपने को उस बीच पे ले जाते हैं जहाँ उनकी कमाई होती है। ये बीच उसे शांत है, बढ़िया बीच, बढ़िया बीच है। अब यहाँ थोड़ा फोटो सेशन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको अगली बीच। तो भैया ये था तायान बीच। तायान क्या? तायान, तायान। हम लोग बार बार जाना किसी और बीच पे चाहते हैं, लेकिन अपनी धन्नो जो है वो कहीं और पहुँचा देती नई जगह। नहा धो चुके तो पता लगा कि ये वो बीच ही नहीं जहाँ जाना था, मगर भाई इस बीच पर भी एक भी इंडियन नहीं मिला, सिर्फ आपके यही तीन भाई जो है भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब फिर चल रहे भैया अपनी मोटर बाइक के पास, और फिर चलते हैं कि जहाँ जाना था वहाँ पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, कि फिर नया बीच कोई मिल जाएगा। लावारिस घूमने का भी मज़ा अलग है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर हो जाती हैं। अरे ये तो अपना देसी कुत्ता भी है नीचे, हैं अपना गली कुत्ता। अरे चेक आएगी तो मंडे ट्यूसडे में, तब तक आप पहुँच। चल भाई चल, आए मंडे लगेगी आज, चलता है अभी लगेगी। हाँ बंद नहीं है, बंद नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जब फोन आता है बेस्ट दे जाती है। ये सब मेघे सब जाएगा जब कल बंद नहीं होगा, आज कल बंद है संडे से आज ही जाएगी। और या तो उसको कह दो कि 4 बजे के बाद बोले, जब भी लगती है स्वामी जब सोमवार को आया मेरी बात नहीं सुनती। तो भैया तयान बीच से निकल कर अब हम पहुँचे हैं कोलान आइलैंड के समाय बीच पर। इतने सारे बीचेस हैं, आखिरकार समय बीच पहुंच गए, मगर सब एक से एक है। गाड़ी ली है तो उसका पैसा वसूल लें हम लोग पूरा, बचेगा कुछ नहीं। कोशिश यही है कि पूरी टंकी खाली कर दें उसकी, जो फ्री का तेल था
वो सब खाली कर दें। हाँ स्वादी खाप, नमस्ते नमस्ते। हाँ देखा, हमने इनका बोला, इन्होंने हमारा बोला। हिंदी चीनी भाई भाई, चीनी कहाँ से आ गए, हिंदी थाई भाई भाई। ये कुछ अच्छा सा डेवलप बीच लग रहा है, मगर इंडियन यहाँ भी कोई नहीं भाई। इंडियंस को हमेशा उसी आइलैंड पे ला के पटक देते हैं, वहीं खेलो कूदो खाओ पियो और बैठ लो चल दो। वहाँ तो मेला चलता है बिल्कुल। अच्छा है, ये देखिए आप पहुँच रहे हैं किनारे समंदर के। बगली में है भाई, है ना, वो पहाड़ी के उधर है, ये पहाड़ी के इधर है। अब यहाँ भी नहाएंगे हम लोग क्या भाई, क्या कहते हो तो? इसीलिए तो कपड़े नहीं चेंज कर रहे हैं, बस नहाते जाओ नहाते जाओ। तुम तो नहाओगे ही नहीं, होटल में भी नहीं नहाए हो, यहाँ भी नहीं नहा रहे। लो भैया फिर कैमरे मेरे पकड़ लो, वहाँ पैसा पड़ेगा, इधर बैठो गरीबों वाला। कहाँ जाओगे, सौ वार्ड लेगा है? बियर अलग, बियर अलग बात। तो भैया ये था समाय बीच, खूब मौज मस्ती हुई, नहाते नहाते सबसे परेशान हुए जा रहे हैं। तीन बीच नहा चुके हैं, अब समाय बीच के बाद हम वापस पार्किंग में अपनी धन्नों को ढूंढने, पता नहीं कहाँ लगा दी। हाँ ये मिल गई, ये लाल वाली अपनी धन्नो मिल गई। अब चलते हैं हम लोग ताइवान बीच, जहाँ पर अपने हिंदुस्तानी भाई पैकेज में आते हैं, वहीं से निपट के चले जाते हैं। चलिए दिखाते हैं, वहाँ भी गदर मचाते हैं। तो भैया जिसका इंतज़ार था आपको ताइवान बीच का, जिसको आप लोग आते हैं कोरल आइलैंड के पैकेज के नाम से, जब आपको लाया जाता है ताइवान बीच है वो। अभी हम बीच पे तो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन उसका एक व्यू पॉइंट ऊपर से बनाया गया है, जहाँ से वो बीच नज़र आती है डेवलप करके। अब हम आपको बीच दिखाते हैं कैसी लग रही है। ये देखिए, ये ऊपर से उसी बीच का नज़ारा है, कोरल आइलैंड के नाम से आप जिस ट्रिप पर आते हैं, ये उसी बीच का नज़ारा है। सारी एक्टिविटीज़ आप लोग यहाँ करते हैं, घंटे भर में सब कुछ करा के आपको इस आइलैंड से विदा कर दिया जाता है। ये ऊपर से इसका नज़ारा है, आप देखते होंगे जब आइलैंड पे आते हैं आप तो ऊपर एक सड़क दिखाई देती है आपको, गाड़ियाँ चल रही हैं, ये वही सड़क है भाई साहब। काफ़ी देर हो गई वैसे टहलते हुए, चौथी बीच अब ये विज़िट करने जा रहे हैं, करीब 7-8 बीच हैं यहाँ पर इस आइलैंड पर, चौथी करने जा रहे हैं। अब इस बीच पर अपने इंडियन भाई जितने हैं वो मिलेंगे, अभी तक तीन बीच कर चुके हैं, किसी पर भी कोई हिंदुस्तानी नज़र नहीं आया। कैमरा पलट के आपको नज़ारा दिखा रहा हूं। भैया सस्ते में आप कोरल आइलैंड का टूर करेंगे तो ज़्यादा घूमने को मिलेगा, अच्छा घूमने को मिलेगा, आज़ाद होके घूमने को मिलेगा, और पैसे भी कम खर्च होंगे, एक्सप्लोर भी आप ज़्यादा कर पाएंगे। तो बजट ट्रिप आपको कैसी लग रही है ये कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी तक 30 बाहट में बोट में हम लोग यहाँ पर आए हैं और 300 बाहट में मोटर बाइक रेंट पर ली है, 3 लोग उस पर सवार हैं बिना लाइसेंस के, आइलैंड आराम से टहल रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है और फुल मस्ती कर रहे हैं। तो कुल अभी तक जो खर्चा हुआ वो 330 बाट का हुआ है, और 300 बाट जो बाइक रेंट है उसमें भी 3 लोगों का शेयर है।
कोई बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ ही नहीं है अभी तक, पैकेज के आधे पे भी नहीं पहुँचे हैं अभी हम लोग। चिकन चलो यार लौड़े का अगल बगल यार पूरी मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट यहाँ पे। ये ऑरेंज जूस वगैरह है, ये फिश है, चिकन क्रोकोडाइल फिश No. Fuck. क्या है? सुअर। पूरी नॉनवेज मार्केट है बेटा यहाँ, पूरी नॉनवेज मार्केट। तो भाई थाई में 80% 90% आदमी तो नॉनवेज ही खाता है, वो तो भला हो इंडियन लोगों का जो खोले हुए हैं कुछ। जी भैया अभी हम लोग हैं टर्मिनल 21 मॉल के सामने और काफ़ी कुछ यहाँ खाने को मिल रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या है, सब नॉनवेज है और उल्टा सीधा है भाई। क्या हुआ, कुछ मिल गया देसी आइटम? कुछ खाने का मूड था लेकिन हाँ क्या अभी पूछा, एक ऐसा लग रहा था चिकन मिल रहा है, फिर पता लगा मैंने कहा, उसने कहा चिकन पे मना कर दिया कि चिकन नहीं है, तो मैंने कहा फिश है तो फिश पे भी मना कर दिया ना, फिर मैंने कहा क्रोकोडाइल है, उसने कहा नो, फिर मैंने कहा व्हाट इज दिस, तो उसने कहा पोर्क। ये भैया कुछ फलाहार है, स्मूथी है, ये अपने यहाँ भी मिलती है, मैंगो की है, भाई बना रहा है 40 बाट की, शुद्ध शाकाहारी, कुछ खा नहीं सकते तो कुछ पी तो सकते ही हैं। ये मैंगो। ये भैया है टर्मिनल 21 का एस्केलेटर, अब इसकी हाइट देख लीजिए, लंबाई सीधे थर्ड फ्लोर पे पहुँचा रहा है, हम लोग कहाँ से आ रहे हैं वो नीचे, एंट्री होते ही सीधे मॉल के टॉप पर भेज दिया जाता है, मतलब पहली दुकानें आपको सीधे टॉप फ्लोर पे, और अपने यहाँ टॉप फ्लोर पे आखिरी में, जिसमें आधे लोग पहुँचते नहीं हैं या जाते भी तो हैं डायरेक्ट लिफ्ट से। ये टर्मिनल 21 मॉल, हर फ्लोर एक अलग अंदाज में, एक अलग कंट्री के हिसाब से बनाया गया है, बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पर है जैसे टर्मिनल में होता है। अब ये लंदन का ब्रिज है आई थिंक, क्या कहते हैं टोक्यो, नहीं नहीं अब कुछ है पता नहीं भाई, इतना ज़्यादा गया नहीं हूँ वहाँ पर कहीं। यस तो देखिए ये है टर्मिनल 21।